नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑल इंडिया व्हीकल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं होंडा की i20, जो कि स्पोर्ट कार है। ऑल ओवर आप गाड़ी का लुक देख लीजिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स की, क्या इंटीरियर है इसमें और गाड़ी के लुक्स की। तो जैसा कि दोस्तों, आइए सबसे फर्स्ट ऑल हम बात करते हैं इसके हेडलाइट की। तो काफ़ी प्रीमियम लुक दिया गया है इसके हेडलाइट का, और इसी के साथ आपको यहाँ नीचे फॉग लैंप भी मिल जाते हैं, जो कि आपकी राइडिंग पोजिशन को नाइट में काफ़ी बेटर बना देते हैं। इसी के साथ आपको होंडाई का लोगो मिल जाएगा। दोस्तों बात करें इसके टायर साइज़ की, तो आपको यहाँ 16 इन के एलो व्हील मिल जाते हैं, जो कि गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह सिल्वर रिल्स के साथ आपको रिल्स के साथ मिलती है, जो कि गाड़ी का लुक और भी बेटर बना देती है। दोस्तों i20 का ये मॉडल सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में परचेज हो रहा है। बात करते हैं इसके ड्राइविंग सीट की। इंटीरियर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्रीमियम लुक लग रहा है ये। बात करते हैं इसके ड्राइविंग साइड की, तो यहाँ आपको लॉक और अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ जो साइड मिरर है इसको आप एडजस्टेबल कर सकते हैं अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से। और दोस्तों बात करते हैं, तो इसमें आपको 4E पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है। बात करें स्टीयरिंग की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेटर फंक्शन मिल जाते हैं, जिससे आप अपने स्टीयरिंग से अपने म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम का, तो यहाँ पर आपको 16 इंच का म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड करता है। और उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको एसी का सिस्टम मिल जाता है। और दोस्तों सबसे बेस्ट जो मेरे को इस i20 में जो चीज़ लगी है दोस्तों, बात करते हैं इसके गियर की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपको ये मैनुअल गियर दिख रहा होगा दोस्तों, पर ये मैनुअल गियर नहीं है। देख रहे दोस्तों, यहाँ पर क्लच नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक गियर है। अपन इसको ऑटोमेटिक गियर की तरह, ऑटोमेटिक कार की तरह इसको हम आराम से ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और पीछे आते तो दोस्तों यहाँ आपको हैंड ब्रेक मिलता है। और इसी के साथ दोस्तों, जो सबसे बेस्ट आजकल की गाड़ियों में जो ज़्यादा डिमांड है, वो सबसे बेस्ट जो कि i20 ने ध्यान में रखते हुए दी है, वो है आर्म रेस्ट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर साइड में आपको एसी वेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी प्रीमियम बना रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि गाड़ी के बैक से पीछे से आपको इंटीरियर कैसा दिखता है। ये देखिए दोस्तों, इसका इंटीरियर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर भी दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें पीछे बैठने वालों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और आराम से राइडिंग का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आराम से कंफर्टली बैठा हूँ, पीछे भी काफ़ी बेटर स्पेस दिया हुआ है। और दोस्तों बात करें पीछे बूट की, दोस्तों यहाँ आपको गिफ्ट ट्रे आराम से प्रोवाइड होती है। ये देखिए दोस्तों, आराम से 2-3 बैग आराम से रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। पीछे आपको होंडा का लोगो प्रोवाइड करते हैं, यहाँ आपको i20 लिखा मिल जाता है। वही जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्पोर्ट वेरिएंट है, तो यहाँ आपको स्पोर्ट की बैजिंग मिल जाती है। और दोस्तों इसके साथ पीछे बैग में सेंसर दिए हुए हैं, ये देखिए दोस्तों, और पीछे यहाँ पर आपको कैमरा भी दे रखा है। दोस्तों बात करके इससे टेल लाइट की, तो काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रखा है इसका टेल लाइट का, जिसमें काफ़ी प्रीमियम लुक लग रहा है, देख सकते हैं दोस्तों आप। ये दोस्तों आप i20 का पेट्रोल वेरिएंट आप देख रहे हैं, जिसमें आपको शार्क एंटीना आपको प्रोवाइड किया गया है, जो काफ़ी बेटर लग रहा है। बात करते हैं पैसेंजर साइड की, तो यहाँ पर भी काफ़ी कम्फर्ट और काफ़ी स्पेस आपको मिला हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होती है, और आपकी राइडिंग पोजीशन काफ़ी कम्फर्टी होती है।
अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें।